तो भाई पूरे यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए, ये देखो भारत ट्रैक्टर इंडस्ट्री अब इतनी आगे जा चुकी है कि अमेरिका के लिए भारत में ट्रैक्टर बन के जाते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, राम राम भाइयों, मैं हरजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका जय किसान टेक्निकल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे। तो भाइयों एक्सपोर्ट वाली सीरीज दिखाते हैं आज आपको, जो एक बनता भारत में है पुणे के अंदर, ये ट्रैक्टर बनता है लेकिन ये ट्रैक्टर विदेशों में जाता है जी। ये है जी 5115 जी। तो भाई 115 पावर के अंदर ये ट्रैक्टर है। तो इसकी जो मेन बात बता दूं भाइयों, जो है ये ट्रैम्प 5 के अंदर जो इसके एमिशन नॉर्म्स हैं, तो अभी भारत में ट्रैम्प 4 लॉन्च हुआ है लेकिन इसके जो नॉर्म्स हैं, तो भाइयों पूरे यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए, ये देखो भारत ट्रैक्टर इंडस्ट्री अब इतनी आगे जा चुकी है कि अमेरिका के लिए भारत में ट्रैक्टर बन के जाते हैं। तो भाइयों ये ट्रैक्टर पुणे में मैन्युफैक्चर होता है, जापान, अमेरिका, हर देश में जाता है जी। और बड़ी बात ये है कि ये ट्रैम्प 5 है जी, ये ट्रैम्प 4 नहीं है, ट्रैम्प 4 से भी एक आगे की चीज़ है जी। जो इसके एमिशन नॉर्म्स हैं वो इतने कंट्रोल कर लिए गए हैं, तो आपका साइलेंसर वगैरह देख लो जी पूरा, ये देखो जी पूरा तगड़ा मोटा साइलेंसर है जी। और जो AC कैबिन कंपनी फिटेड होता है जी, इसकी क्वालिटी ही अलग होती है। तो टायर साइज वही 16:9 अपना जो है 34 है जी, रेडियल टायर है। लेकिन ट्रैक्टर की बिल्ड क्वालिटी भाई, वो ऊपर से पूरे ट्रैक्टर पे एक अलग से प्लेट की कवरिंग करी गई है, कोई टोचन वगैरह करने से, जिससे कि इतना हैवी इम्प्लीमेंट है उठ के नीचे लगे या जो भी है, पूरा पूरा इसको वेट से ब्लास्ट किया जाता है जी। और ये एक्सपोर्ट मॉडल है जी, यहाँ पे लुधियाना में केवल भाइयों, ये भारत में ट्रैक्टर लॉन्च नहीं है, लॉन्च ये केवल जो है यूरोप में जाता है। लेकिन ये इस ट्रैक्टर का वीडियो मैं आपको केवल इसलिए दिखा रहा हूँ कि भारत की कोई मैन्युफैक्चरिंग इतनी अच्छी हो चुकी है भाइयों, बड़ी खुशी होती है जब भारत में बनी हुई चीज़ें बाहर जाती हैं जी, वो भी खेतीबाड़ी की। तो इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे लगी हुई है जी, तो जॉन डियर जी अपना जो है पावर ट्रक सीरीज 115 HP है जी, 2000 रेटेड RPM है। और ये ट्रैम्प 5 है जी, ये देखो क्लियर लिखा हुआ है ट्रैम्प 5, यानी कि जो अभी भारत में पूरी तरीके से ट्रैम्प 4 भी लॉन्च नहीं हुआ, वही पावर क्लच है जी। अपना जो इंडिपेंडेंट PTO क्लच है वो भी पावर है, 3 तरह की PTO स्पीड है, इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ। ये देखो जी पूरा 32+16 जो गेयर है, मैक्सिमम जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर की है जी। और जो इसका वेट है जी 65 किलो जो है इसकी हाइड्रोलिक क्षमता है जी, तो काफ़ी अच्छी हाइड्रोलिक है जी इसकी, तगड़ी विदेशों के हिसाब से। तो भाई अब जो एक्सपोर्ट मॉडल है इसका पिछला हिस्सा देख लेते हैं कि भारतीय ट्रैक्टरों से कितना अलग है जी। तो भाई पिछला हिस्सा जो बहुत ही तगड़ा 6 ऑब्जरी वाल है जी और डबल जैक है जी, इसीलिए 35 क्विंटल की इसकी क्षमता बनती है। ये देखो डबल, तो ये जैक का एक्स्ट्रा आर्म होगी, अंदर से जो सपोर्ट आ गई हाइड्रोलिक को, और 6 जो है ऑब्जरी वाल 6 है पूरे पूरे। ट्यूब में बहुत छोटी है जी, कड़े घुमा के बना रखे हैं, बहुत ही छोटी ट्यूब है जी, इससे मजबूती बढ़ती है। तो विदेशों में अपने वाला सिस्टम कोई नहीं होता जी, हुक का ऊपर नीचे होने वाला, जो पूरा पुलिंग के लिए यही होती है जी। ट्रैक्टर के ऊपर एक जो है पूरा वजन डाला जाता है, तो इसको अपनी वजन से ही पुल करना होता है, ट्रॉली का कोई भी वजन नहीं आता है जी इसके ऊपर। और भाई वो जो ट्रॉली के ब्रेक वगैरह के लिए एयर सिस्टम सारा कुछ इसमें लगा हुआ है, तो भारतीय ट्रैक्टरों से बहुत ज़्यादा अलग है जी। यहाँ से आप जो है इसको ऊपर नीचे करके बहुत ही आसानी से इसकी लिंक को एडजस्ट कर सकते हैं। आप बड़ी मैडम जी, तो मैं करके दिखाता हूँ जी क्या सिस्टम है ये। तो इस तरीके से आप छोटा कर सकते हैं इसको। तो भाइयों कितने भाई जो है खुश हुए इस चीज़ को देख करके कि भारत में जो बना हुआ ट्रैक्टर विदेशों में जाते हैं। देखो जी भारत में ट्रैम्प 5 ट्रैक्टर भी बनता है, इंजन इसका बाहर से ही इंपोर्ट करा जाता है जी। तो देखो जी AC कैबिन की क्वालिटी देखते ही बनती है। तो भाई आज आपको दिखाया ट्रैम्प 5 ट्रैक्टर।